माओवादी कब्जे जवान आसला फोटो छत्तीसगढ़ बीजापुर माओवादी कब्जे कोब्रा बाहन जवान राकेश सिंह मनहस फोटो प्रथम थर पर हस्तगत हो फोटो जमापड़ माओवादी क्यांप्रे सुरक्षित अच्छा जवान तेज सुरक्षित फेरवा लगी मध्यस्थिक तालिका पठाइवाक सन्देश देती माओवादी एथस तीन तारीख में जवान लुटी अस्त्रशस्त्र फोटो जारी कर दंडकालीन स्पेशल जोनाल कमिटी एके 47 एलएमजी यूबीजीएल ग्रेनेड लंचर सहित 2000 गुली लुटी माओ संगठन पक्षर् स्पष्ट होती जवान गुड़माड़े जड़े महिला माओवादी समेत पांच जन माओवादी मृत्यु होने प्रेस रिलीज जारी कर नक्सल संगठन बीजापुर जोनागुड़ा जंगल नक्सल नरसंहार पर सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहस पत्ता मिल नाला तेज से माओवादी कब्जे सांबादिक फोन कर सूचना देता नक्सल संगठन छत्तीसगढ़ बीजापुर सांबादिक गणेश मिश्र को फोन कर जवान देहरे गुड़ बाजि और चिकित्सा करवादी अनेपटे जवान को फेर आने को सीआरपीएफ पक्ष मिशन आरंभ होता सूचना मिली। मैं यही कहूँगी अगर पूरे देश के पास है पूरी देश ये न्यूज सुन रही है तो गवर्नमेंट कहाँ सोई है, उनको भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए, अपना बयान तो मुंह से निकालना चाहिए। हम भी सुने टीवी पे, हम ये बोल रहे हैं हम ये करेंगे, कल तक करेंगे, परसों तक करेंगे, हमें भी थोड़ा मतलब विश्वास हो जाए कि गवर्नमेंट कुछ तो कुछ कर रही है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वो मतलब जो टीवी पे हो रहा है वो थ्रू मीडिया से हो रहा है, गवर्नमेंट से कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक भी बात वो बोल नहीं रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो उनकी फोर्स है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा अभी तक। हम कैसे बोलें कि गवर्नमेंट एक्शन में है या कुछ कर रही है, हम कैसे बोल सकते हैं? मतलब नक्सली अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये बोल दिया कि वो हमारे कस्टडी में है, अब उन्होंने कल रिटर्न में भी दिया कि वो हमारी कस्टडी में है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो मध्यस्थलों को ढूंढे और हम उनको उनका जवान सौंप देंगे, पर सरकार अभी तक तो सुबह के 10-11 बज रहे हैं, अभी तक उनका कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई हमें न्यूज़ नहीं सुनी, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि सरकार ये कदम ले रही है, हम क्या बोल सकते हैं? क्या डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द? हाँ, मैं तो यही डिमांड, मैं तो सैटरडे से यही डिमांड कर रही हूँ कि उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, वो जहाँ भी हैं उनको, मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई मिनिस्टर लेवल के नहीं हैं, कोई हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, थ्रू मीडिया से हम जो भी बात कर रहे हैं यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए, सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए चाहे डिपार्टमेंट कराए, मतलब कोई तो कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना सरकार, क्यों नहीं ले रही? मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं, अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही? अभी उनकी कोई जवान की कोई फिक्र नहीं है उनको अपने जवान की? मेरा हस्बैंड वो बाद में है, किसी माँ का बेटा वो बाद में है, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उनका जवान है वो, अगर वो बीमार होते कुछ होता वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना या कुछ भी, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है, हम तो छुड़ा नहीं सकते कि हमारा कोई कॉन्टैक्ट नक्सलियों से है नहीं या हमारी कोई इतनी अप्रोच है नहीं कि हम उनके तक पहुँचें, हम कैसे पहुँचें, हमें सरकार ये बताए कि हम कैसे पहुँचे उनसे, उनके तक कैसे अपनी बात कहें, सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई फैसला लें, कुछ करें, मैं क्या बोल सकती हूँ, सरकार खुद एक पढ़ी लिखी। अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से यही अपील है कि अब ना टाइम ना वेस्ट करें, आगे ही 5 दिन वेस्ट हो चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे देश में ही है, ये नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट में आउट ऑफ कंट्री में है या कुछ है, जब अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस दूसरे दिन वापस ले आए थे, तो ये तो हमारे इंडिया में ही है, इनको हम यही सरकार से यही अपील है कि अब जल्द से जल्द उसको वापस ले आए। हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा बेटा जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, और जो उनके बयान वो हैं सरकार की, जो उनकी जो रखी डिमांड रखी है उन्होंने, वो सरकार पूरा करेगी उनकी, और हम यही चाहते हैं उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए, हमको तभी भरोसा होगा जब हमारा बेटा घर आएगा, वो सरकार कुछ कर रही है।